हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनीपाल गुनगुन सीविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में स्टैंड पट्टी वाली कॉलर की कटिंग बताने वाली हूँ, जिसे आप आसानी से ब्लाउज में भी लगा सकते हैं, कुर्ती में भी लगा सकती है, जिसके लिए आप बहुत परेशान होते हैं कि आप कॉलर वाली कुर्ती कटिंग कर लेते हैं लेकिन आपको कॉलर कटिंग करने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत आती है। तो बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको इसकी स्टैंड पट्टी कटिंग सिखाने वाली हूँ, जिसकी आज मैं आपको इसमें सबसे पहले ड्राफ्टिंग बताऊंगी और कैसे आपको ये नापना चाहिए वो बताऊंगी और किस तरीके से आपको कटिंग करनी चाहिए, थ्री स्टेप में आपको किस तरीके से कॉलर कटिंग करनी चाहिए वो इसमें मैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने ब्लाउज के बैक पार्ट का और ये फ्रंट पार्ट का निशान यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसका पहले हम बैक पार्ट का गला नापेंगे। ये देखिए, यहाँ से बैक पार्ट का गला नापेंगे तो 4.5 इंच आया, और जो हमने स्टैंड पट्टी के लिए यहाँ पे कुटका लगा रखा है जो कि हम ऊपर से 3.5 इंच या 4 इंच पर लेते हैं, और ये हमने यहाँ से नापेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पे 4.5 इंच आएगा। तो आगे का 4.5 और पीछे का 4.5 नापेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 इंच का, और जब पूरे गले को नापेंगे तो हमारी जो कॉलर बनेगी वो 18 इंच की बनेगी। ठीक है, नापने का तरीका बिल्कुल आसान तरीका है, आप चाहें तो शोल्डर को जोड़कर भी नाप सकते हैं। आपका जो कुटका लगाया है आपने आगे की तरफ दोनों भाग में कुटके आएंगे, तो आगे आने वाले वीडियो में हम आपको इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग का तरीका भी बताएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसको इस शोल्डर से शोल्डर को जोड़ लेना है और यहां से आपको पूरी कॉलर को भी राउंड में आप नाप सकते हैं। तो आपकी देखिए 18 इंच की कॉलर आई है, जिसे अब मैं आपको इस पे पेपर पे कट करके इसको बताऊंगी। आप देखिए, हमने ये डबल में पेपर लिया हुआ है, ये डबल फोल्ड हमने पेपर को किया है, और डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे आपको 9 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे 9 इंच पर निशान लगा दिया है, और जो स्टैंड पट्टी हमें रखनी है वो लगभग 1.5 इंच की रखनी है। जो हमारी तैयार स्टैंड पट्टी आएगी वो 1.5 इंच की आएगी, लेकिन हमको जो 1 इंच बढ़ाकर यानी कि हमको 2.5 इंच की पट्टी एक निकाल लेनी है। देखिए, पूरे पेपर में से हमको 2.5 इंच की पट्टी निकालनी है। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से 2.5 इंच निशान लगा दिया है और हम एक सीधी पट्टी इसमें निकाल देंगे पहले इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने कट करके यहाँ पे 2.5 इंच की पट्टी को निकाल लिया है। ये देखिए, ये पट्टी निकालने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच, ये देखिए यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ से नापना है और ये हमको लगभग 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया और इस निशान को हमें इस निशान पर राउंड में लेके आना है। देखिए किस तरीके से हमें निशान मार्किंग करनी है, इस प्रकार से, क्योंकि जो हमारी कॉलर वाला भाग है वो गोलाई में रहेगा तो हमको इस प्रकार से निशान मार्किंग करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे निशान मार्किंग किया, उसके बाद में इस निशान को हल्का सा तिरछा इस प्रकार से करेंगे, लगभग 1.5 इंच जो कि हमारी कॉलर की चौड़ाई है उस हिसाब से हमें यहाँ पे निशान मार्किंग करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने 1.5 इंच का निशान लगाया और उसके बाद में इस निशान को यहां से लाते हुए हमको इस निशान पर मिला देना है। ये देखिए, ये हमने पूरे कॉलर के निशान को बना लिया है। अब हम इसे पहले गोलाई में कट करेंगे। देखिए यहां पर इस प्रकार से, ये इस तरीके से बहुत सफाई से हमें इसे कट करना है। ये देखिए, देखिए हमने यहाँ पे ये कॉलर कट कर लिया है और कॉलर के हमने सेंटर पार्ट पे हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ कुटके लगाने हैं, ताकि हम कॉलर को जब चढ़ाएं तो हमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। तो आप देखिए, कॉलर को इस तरीके से चढ़ाना है आपको कि जो ये ऊपर राउंड वाला भाग है वो आपके गले की नेक पर चढ़ेगा। देखिए, आप चाहें तो इसको इस तरीके से चौकोर भी रख सकते हैं, इस तरीके से तिकोना भी रख सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का शेप नहीं चाहिए तो जो स्टैंड पट्टी में शेप आता है वो देखिए किस प्रकार से बनाना पड़ता है। हल्का सा आपको इस तरीके से रखते हुए हल्का सा इस तरीके से एक गोल लगाना पड़ता है। ये देखिए, और इसका जो स्टैंड पट्टी का लुक आता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। आप स्टैंड पट्टी को दोनों ही तरीके से चढ़ा सकते हैं। अगर आपको राउंड बनाने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो आप चौकोर भी चढ़ा सकते हैं और राउंड भी इस प्रकार से बनाकर चढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से हमने इस कॉलर को कट किया है। और ये देखिए, ये जब हम इस कॉलर को बनाएंगे तो हमारी जो कॉलर है वो इस प्रकार से हमारी दिखेगी, और कितनी सुंदर हमारी कॉलर दिख रही है। आप इसे आप अपनी ड्रेस के हिसाब से, आप अपने ब्लाउज के हिसाब से इस चौड़ाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है
तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती।